नमस्कार साथियों सभी का स्वागत अभिनंदन गुड इवनिंग राम राम गणी, कैसे हैं आप सब लोग सभी साथियों का जीके पॉइंट राहुल चैनल पर स्वागत व अभिनंदन साथियों अपन राजस्थान के जो नवीनतम जिले हैं उनका अध्ययन कर रहे थे और इसी सीरीज में अपन छह जिलों का अध्ययन कर चुके थे आज अपन दो नवीनतम जिलों का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सबसे पहले अपन नीम का थाना और उसके बाद दूदू का अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन गुड इवनिंग राम राम कंबागणी कैसे हैं आप सब लोग एकदम बढ़िया जक्कास चलिए तो आज अपन दो नए जिलों का अध्ययन करने वाले हैं पहला है नीम का थाना नीम का थाना नीम का थाना और उसके बाद अपन दूध का अध्ययन करेंगे उसके बाद अपन दूदू का अध्ययन करेंगे चलिए तो सबसे पहले अपन नीम के थाने की बात कर लेते हैं नीम का थाना और आज के सेशन में आपको बहुत सारी नई जानकारी सीखने के मिलेगी जी हां बिल्कुल डेफिनेटली आपको बहुत सारे डाटा ज्योग्राफी के हिस्ट्री के कल्चर के और इकोनॉमिक्स के बहुत सारे डाटा आपको अपडेट करने होंगे तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइएगा पुराने नोट्स में से बहुत सारी चीजें अपडेट कर लीजिएगा जी हां बहुत सारी चीजें अपडेट कर लीजिएगा चलिए शुरुआत करते हैं नीम का थाना नीम का थाना नीम का थाना।, थाना पहला प्रश्न यह है किस जिले को तोड़ के बनाया तो यह एक जिले को नहीं यह दो जिलों के तोड़ के तोड़ बनाया गया नीम का थाना दो जिलों को तोड़ के बनाया गया कौन से दो जिलों को तोड़ के गिनाया सीकर को भी तोड़ा और झुंझुनू को भी तोड़ा सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों को तोड़ के बनाया गया झुंझुनू से क्या लिया झुंझुनू से उदयपुर वाटी कौन सा उदयपुर वाटी लिया गया और क्या लिया सर सबसे बड़ी चीज क्या ले ली सबसे बड़ी चीज ले ली खेतड़ी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो खेतड़ी में थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो खेतड़ी में थी वो भी यहां से ले ली तो बताओ झुंझुनू को भी तोड़ा और किसको बताओ सिक्कर को तो अब आपके कोई पूछ ले नीम का थाना किस जिले को तोड़ के बनाया तो केवल सिक्कर मत कर देना सिक्कर के साथ झुंझुनू भी है बस ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए ऐसा नहीं नीम का था ना सिकर में था सिकर को तोड़ सिकर के साथ झुंझुनू भी होगा यह सिकर वे झुंझुनू जिले को तोड़कर बनाया गया यह सिकर वे झुंझुनू जिले को तोड़कर बनाया गया सिकर वे झुंझुनू जिले को तोड़कर बनाया गया पहला प्रश्न तो ये बनेगा किस जिले को तोड़कर बनाया गया सिकर और झुंझुनू जिले को तोड़कर बनाया गया बनाया गया सिकर और झुंझुनू जिले को तोड़ के बनाया गया पहला प्रश्न हो गया आपका क्लियर सिकर ही नहीं करना सिक्कर के साथ झुंझुनू भी करना है क्लियर क्लियर बिल्कुल बिल्कुल चलिए दूसरा अब आपसे पूछेंगे इसका गठन कब हुआ तो गठन तो अपन बार बार लिखेंगे नहीं सभी का गठन कब होता है सभी जिलों का चार अगस्त दो तो यह अब लिखने की कोई औचित्य नहीं मुझे लगता सब याद हो गया अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं नीम का थाना किस संभाग में आता है नीम का थाना किस संभाग में आता है यह सबसे बड़ा प्यारा प्रश्न हो सकता है यह नया जिला बन गया तो नया जिला नीम का थाना बना नया संभाग कौन सा बना सिक नया संभाग कौन सा बना सिकर तो यह अब सीकर संभाग में आता है किस में आता है सीकर संभाग जयपुर संभाग में मत कर देना ठीक है तो नीम का थाना यह नया जो संभाग बना है यह सीकर संभाग के अंतर्गत आता है कौन सा संभाग के अंतर्गत सीकर संभाग के अंतर्गत आता है तो ये सीकर संभाग के अंतर्गत आता है तो नया जिला बना है और नया ही संभाग बना कौन सा सीकर नया कौन सा बताओ सीकर ये भी आपको ध्यान में रखना अब, अब आपसे पूछेंगे सेकाउटी में कितने जिले आते हैं जो सेकाउटी वाला क्षेत्र था सेकाउटी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं फटाफट बताओ पहले सेकावटी क्षेत्र में तीन जिले आते थे सीकर चूरू और झुंझुनू पहले से क्षेत्र में तीन जिले आते थे संभाग के बारे में अलग बिल्कुल संभाग के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपकी व्यवस्था सर आर एस में देखिए पुराना तो पढ़ना है नए का तड़का भी उसमें साथ लगाना है जो मुख्य मुख्य चीजें चेंज हो गई वो तो आर एस में पूछ सकते हैं ना भाई जो नई चीजें मुख्य चीजें चेंज हुई है जिस जिसका क्षेत्र में पहले तीन जिले आते थे अब सेकावटी क्षेत्र में कितने जिले आएंगे चार जिले आएंगे पहले सेकाविटी क्षेत्र में तीन जिले आते थे अब कितने जिले आएंगे चार जिले आएंगे सात अगस्त दो हजार तेईस को नई अपडेट आई थी नई अधिसूचना आई थी नई अधिसूचना आई थी जिनमें कुछ करेक्शन करना था ठीक है कुछ जिलों में बाकी चार अगस्त को ही नोटिफिकेशन सैक्योरिटी क्षेत्र में चार जिले आते हैं कौन कौन सा सीकर तो पहले ही आता था झुंझुनू पहले ही आता था चूरू पहले ही आता था तो सर नया क्या नया है नीम का थाना नया क्या है नीम का थाना नीम का थाना नया कौन सा बताओ नीम का थाना इन चारों जिलों को मिला के हम बोलते हैं इन चारों जिलों को यदि मिला दे तो यह आपका सीकर संभाग जो नया संभाग बना है कौन सा सीकर संभाग तो सेकावटी क्षेत्र भी याद हो गया और सीकर संभाग भी याद हो गया दोनों चीजें एक साथ ही करवा दी मैंने क्लियर तो ये चार जिले आते हैं सैकावटी क्षेत्र में और उटी क्षेत्र में जो चार जिले आते हैं इन चारों जिले को मिला के क्या बनता है सीकर संभाग बनता है जो नया संभाग बना है ठीक है सीकर संभाग ठीक है तो सीकर संभाग में कितने जिले आते हैं चार जिले आते हैं ये चारों जिले सीकर संभाग में आते हैं जो नया संभाग बना है तो ये भी आपको याद हो गया क्षेत्र में जो जिला आते हैं वो सीकर संभाग में आते हैं किसमें आते हैं सीकर संभाग ऐसा की भर्ती सितंबर में आने की पूरी पूरी संभावना है क्लियर अब आपसे कोई पूछ ले क्या सीकर संभाग कितने राज्यों से सीमा लगाता है सीकर संभाग कितने राज्यों से सीमा संभाग की बात कर रहा हूं मैं सीकर संभाग कितने राज्यों से सीमा लगाता है सीकर किसी भी राज्य से सीमा नहीं लगाता झुंझुनू झुंझुनू लगाता हरियाणा से चूरू चूरू लगाता हरियाणा से नीम का थाना पहले सीकर लगाता हरियाणा से अब सीकर नहीं लगाता अब नीम का थाना हरियाणा से इसका मतलब सीकर संभाग एक ही राज्य से सीमा लगाता है हरियाणा से सीमावर्ती सीकर संभाग जो नया संभाग बना है वो भी हरियाणा से टच होता है नया संभाग बना सीकर तो ये हरियाणा से सीमावर्ती इस प्रकार अपन अलग से संभागीय व्यवस्था पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे संभागीय व्यवस्था को अलग अलग से से पढ़ेंगे कि जैसे कोई संभाग वो किससे सीमा लगा लगा रहा नहीं लगा, ये अपन पढ़ा देंगे क्लियर तो शेकाउट क्षेत्र में चार जिले आते हैं और चारों के चारों सीकर संभाग में आते हैं में आते हैं सीकर संभाग बताओ नीम का थाना कौन बताओ नीम का थाना नीम के थाने में कितने उपखंड और तहसीलें हैं नीम के थाने में नीम का थाना चार उपखंड है नीम के थाना में चार तो उपखंड है और पांच तहसील है चार उपखंड व पांच तहसील है देखिए जो मैं जानकारी आपको अपडेट करवा रहा हूं ये तो अपडेट कर ही लीजिएगा जो आपके पुराने नोट्स है ना देखिए उसमें आप अपडेट कर लीजिएगा बहुत फायदा होगा बहुत फायदा होगा पॉलिटी की क्लास भी लगाएंगे बिल्कुल पॉलिटी क्लास लगे राजस्थान पॉलिटी की बुक कहां मिलेगी पॉलिटी की बुक सभी जगह अवेलेबल है ऑल राजस्थान में सब जगह पॉलिटी की बुक अवेलेबल है इंडिया और राजस्थान पॉलिटी दोनों उपलब्ध है मार्केट में सभी जगह उपलब्ध है आप बोलते ना राहुल चौधरी सर की पॉलिटिक बुक दे दो आपको मिल जाएगी तो बताओ नीम का थाना कौन सा बताओ नीम का थाना इसमें चार उपखंड है कितने चार और पांच तहसीलें हैं पांच तहसील चार उपखंड एक तो नीम का थाना खुद हो गया एक श्री श्रीमाधोपर जो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर जहां पर मनसा माता का मंदिर है सक्राई माता का मंदिर है और खेतरी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय ये चार उपखंड है और पाटन पाटन का युद्ध भी हुआ था ठीक तो है तो पांच तहसीलें चार उपखंड और पांच तहसील है अब देखिए खेतड़ी और उदयपुरवाटी ये दोनों पहले झुंझुनू में पड़ते थे खेतड़ी और उदयपुरवाटी

रीट के लिए कुछ बताओ रीट लेवल फर्स्ट अभी वक्त है ठीक है बता देंगे सारी चीजें अब आप समझेंगे नीम का थाना कौन सताओ था। कितने जिलों से सीमावर्ती है नीम का थाना कितने जिलों से सीमा लगाता है कितने जिलों से सीमा लगाता है देखिए ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए यानी हर जिले के बारे में ये जानकारी आपको रहेगी तो आप मैपिंग अच्छे से कर पाओगे मैपिंग आप अच्छे से कर पाओगे क्लियर तो बताओ नीम का थाना कहां से बताओ नीम का थाना कितने जिलों से सीमा लगाता है चलिए देख लेते हैं नीम का थाना कितने जिलों से सीमा लगाता है थोड़ा जूम कर देते हैं ये रहा आपका नीम का थाना कितने जिलों से सीमा लगाता है ये नीम का थाना नीम का तो नीम का थाने की बात करें तो इधर देखो जुन ग्रामीण है और इधर कोटपुतली कोट तो जुन तो बनाया था और जुन जुन को तोड़ जयपुर ग्रामीण और इधर कोटपुतली बहरोड कौन सा बताओ कोटपुतली बहरोड चार जिलों से वेरी गुड कितने जिलों से बताओ चार जिलों से तो जिन्होंने आंसर चार बताया उनका सही है कि ये चार जिलों से सीमा लगा था और आपके ऑप्शन कितने आते हैं चार सर अब तो आरपीएससी पांचवे ऑप्शन की तैयारी करिए जी हां आरपीएससी पांचवें ऑप्शन की तैयारी करिए कौन से चार जिलों से सीकर सीकर से तोड़ा था झुंझुनू झुंझुनू जुन से भी तोड़ा था इसको और जयपुर ग्रामीण जयपुर ग्रामीण जयपुर ग्रामीण और नया कौन सा जयपुर को तोड़के तो बताओ कोटपुतली बहरोड़ कोटपुतली बहरोड इन चार जिलों को तोड़ के बनाया गया इन चार जिलों को तोड़ के बनाया गया बिल्कुल सही है अब यदि आपसे कोई पूछ रहे बातें मत करो रे लाइफ का मजे ले रहे हो ठीक है लड़के हो या लड़की हो ठीक है आप यहां फोकस करो नहीं तो लाइफ आपके ऊपर फोकस करना बंद कर देगी चलिए गुरुजी मैंने आज 20 लोगों को आपके चैनल और स्टडी के बारे में बताया हमारे साथ साथ औरों को भी भला हो जाए बिल्कुल देखिए माँ सरस्वती की कृपा से आपको विद्या बांटने से उसका प्रचार प्रसार होता है सर पूरे पचास जिले बिल्कुल पचास जितने भी नए जिले बने सारे करवा देंगे चिंता मत करो सब करवा देंगे आप तो बस सुंदर सुंदर नोट्स बनाते जाओ सुंदर सुंदर नोट्स बनाते जाओ अब यदि आपसे सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न आज का क्या नीम का थाना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है नीम का थाना अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता क्या अंतरराज्य सीमा बनाता, बनाता? जी तो सर हांतरज्य सीमा बनाता है इधर क्या है हरियाणा पहले हरियाणा से सीकर लगाता था अब सीकर तो नहीं लगाता सीकर तो इधर आ गया सीकर तो नहीं लगाता लेकिन अब नीम का थाना लगाता है तो ये हरियाणा हरियाणा एक राज्य है तो आप आपसे कोई पूछे क्या नीम का थाना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है अंतरराष्ट्रीय नहीं बनाता अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और किस राज्य के साथ बनाता है हरियाणा के साथ किसके केवल एक ही राज्य के साथ बनाता है हरियाणा के साथ नीम का थाना नीम का थाना अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता सीमा नहीं बनाता सीमा तो कैसी सीमा बनाता है अंतरराज्य सीमा बनाता है अंतरराज्य सीमा बनाता है क्या यह अंत्यवर्ती जिला है सर अंत्यवर्ती नहीं है अंत्यवर्ती जिले कितने फटाफट बताओ देगी अंत्यवर्ती जिले है कितने हैं बताओ देखिए तो बताओ नीम का था ना? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता लेकिन अंतर्राज्य सीमा बनाता है अंतरराज्य सीमा बनाता है किस राज्य के साथ बनाता है किस राज्य के साथ बनाता है तो एक ही राज्य के साथ बनाता है और वो राज्य कौन सा है हरियाणा के साथ हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिले अंत्यवर्ती जिले हैं फटाफट बताओ ललिता विमला निशा भूपेंद्र अनु रमेश राजेंद्र जीतू अर्चना आठ बता रही अर्चना अभी भी अभी भी आठ बता रहे हो सीमांत वेरी गुड 22 जिले हैं 23 नहीं अंतर्वर्ती जिले कितने हैं 22 जिले हैं अंतर्वर्ती जिले कितने हैं 22 और 28 बहिर्वर्ती जिले हैं 22 अंतर्वर्ती 28 बहिर्वर्ती यानी बाहरी सीमा पर स्थित तो नीम का थाना भी बहिर्वर्ती जिला है कैसा जिला बताओ बहिर्वर्ती जिला है बहिर्वर्ती का मतलब क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो नहीं लेकिन अंतरराज्य सीमा, सीमा पर स्थित सी है अंतरराज्य सीमा पर स्थित है इसलिए बहिवर्ती है कैसा जिला बताओ बहिवर्ती जिला है क्लियर अब आप सोचेंगे किससे सीमा लगाता हरियाणा से पहले राजस्थान के कितने जिले हरियाणा से लगाते थे पहले सात लगाते थे अब हरियाणा से कितने लगाते हैं आठ जिले लगाते हैं अब हरियाणा से कितने जिले लगाते हैं आठ राजस्थान के आठ जिले राजस्थान के आठ जिले हरियाणा से सीमा लगाते हैं आठ जिले हरियाणा से सीमा लगा पहले सात लगाते थे अब कितने कर लेना आठ जिले हरियाणा से सीमा लगाते आठ जिले हरियाणा से सीमा लगाते पहले सात लगाते थे अब आठ जिले हरियाणा से सीमा लगाते हैं सर आठ कौन कौन से लगाते हैं चलिए पहले वाले लिखते हैं पहला हनुमानगढ़ कौन सा हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ के बाद चूरू चूरू के बाद झुंझुनू इनमें तो कोई चेंज नहीं है इनमें तो कोई चेंज नहीं है लेकिन पहले लगाता था सीकर पहले कौन लगाता था सीकर अब सीकर की जगह क्या आ गया अब सीकर की जगह आ गया नीम का थाना अब सीकर नहीं लगाता है अब सीकर की जगह नया जिला कौन सा नीम का थाना लगाता है पहले लगाता था जयपुर अब जयपुर नहीं लगाता है अब कोटपुतली बहरोड लगाता है कौन लगाता है कोटपुतली बहरोड लगाता है अब जयपुर नहीं लगाता कोटपुतली बहरोड लगाता है उसके बाद अलवर तो पहले ही लगाता था अलवर तो अलवर को तोड़के क्या बनाया अलवर को खेड़तल तिजारा खेरतल तिजारा ये जो नया जिला बना हुआ अलवर तो पहले भी लगाता था अब भी लगाता है, पहले लगाता था। अब की लगाता है? डीग भरतपुर की जगह डीग ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया तो देखिए पहले क्या लगाता था सिकर सिकर की जगह आ गया नीम का था नाम

निबार का मतलब निम्बाक संप्रदाय सुना होगा आपने ठीक है जिसकी अपनी राजस्थान में पीठ है सलेमाबाद में, सलेमा में. निम्बार संप्रदाय, निम्बार का के, था. नीम के पेड़ से निम्बार का नीम के पेड़ के नीचे से निम्बार क्लियर? ओके. अब से पूछ ले ये तो होगी बेसिक बेसिक बातें ज्योग्राफी की बेसिक बेसिक बातें हमने चर्चा कर ली अब आ जाते हैं ठीक है मुख्य मुख्य बातों पर ठीक है नीम का थाना का नामकरण क्यों हुआ नीम का थाना ये जो जिला है इसका नामकरण निम्बार्क के नाम पे हुआ इसका जो नामकरण हुआ है वो निम्बार्क संप्रदाय कौन सा संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय में कौन से पेड़ निम्बार्क संप्रदाय नीम का पेड़ तो से बताओ नीम का पेड़ ठीक है नीम का पेड़ उसी से पड़ा है निम्बार्क नीम का पेड़ से है है क्या पड़ा है? Mm. हाँ, इसे हंस संप्रदाय बोलते हैं संकादी संप्रदाय भी बोलते हैं क्लियर यहां तो कोई दिक्कत चलिए अब सबसे बड़ी ज्योग्राफी में जाते हैं ये तो गया अब ज्योग्राफी आ जाते हैं पहले बताओ चोटियों की बात कर लेते हैं ज्योग्राफी में पहले किसकी बात कर लेते हैं चोटियों की बात कर लेते हैं पहले बताओ बाबाई चोटी कहां थी बाबाई बाबाई चोटी कहां थी बाबाई चोटी सर बाबाई चोटी ये कौन सी चोटी थी सर मालकेत चोटी ये कौन सी चोटी थी याद करो मालकेत की पहाड़ियां भी है मालकेत की पहाड़ियां और मालकेत की चोटी भी है मालकेत की पहाड़ियां और मालकेत की चोटी भी है ठीक है इसी प्रकार लोहार गल कौन से बताओ लोहार गल लोहार गल ये पहले झुंझुनू में पड़ता था लोहार गल उदयपुर वाटी झुंझुनू में पड़ता था लोहार गल की चोटी भी है लोहारगल लोहारगल तो अजमेर में पड़ता है लोहारगल उदयपुर वाटी झुंझुनू में पड़ता था ठीक है एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बाबाई कौन से बताओ बाबाई बाबाई की चोटी बाबाई की चोटी ये सब उत्तरी रावली की चोटियां हैं मालकेत की पहाड़ी सिक्कर में पड़ती थी कहां बताओ सिक्कर में लोहारगल की चोटी ये उदयपुर वाटी झुंझुनू में पड़ती थी बाबाई की चोटी ये भी उदयपुर वाटी झुंझुनू में पड़ती थी अब कहां पड़ती है यही तो है बदलाव मैंने कहा ज्योग्राफी में क्या बदला ज्योग्राफी में क्या बदला आप भी सोच रहे सर ज्योग्राफी में क्या बदल गया तो वही हम बताने का प्रयास करें कि आपके ज्योग्राफी में अब क्या-क्या बदल गया वेरी गुड वेरी गुड चले देखते हैं कितने साथी बताते हैं बहुत खूब बहुत खूब सभी साथियों के अच्छा आंसर आ रहे हैं क्या बात है चलिए अब बताओ क्या चेंज हो गया क्या चेंज हो गया अब क्या चेंज हो गया वो सुन लो मालकेत की चोटी अब कहां गई तो मालकेत की चोटी अब कहां गई नीम का थाना में आ गई कहां बताओ नीम का थाना मालकेत की चोटी नीम का थाना उल्हार की चोटी यह भी नीम का थाना बाबाई की चोटी नीम का थाना ठीक है अब यह कहा गई बताओ नीम का थाना में आ गई कहां गई बताओ नीम का थाना में आ गई ये करेक्शन आप कर लेना ये अब तीनों चोटियां किस जिले में आ गई नीम का थाना पहले अलग अलग थी पहले मालकेत सिकर में पड़ती थी बाबाई झुंझुनू में लोहारगल भी झुंझुनू में मालकेत की चोटी की ऊंचाई कितनी एक हजार बावन मीटर लोहारगल वाली एक हजार मीटर एक हजार मीटर सात सौ अस्सी मीटर एक और है तोरावटी की पहाड़ी कौन सी बताओ तोरावटी की पहाड़ी तोरावटी पहले नीम का थाना में नीम का थाना तहसील में थी यानी सिकर में थी

कि चारों अब नीम का थाना में आ गई कहां गई नीम का थाना में आ गई यह करेक्शन आप अच्छे से देख लेना फिर आ जाते हैं चोटियां हो गई अब आ जाते हैं किस पे दरे तो है ही नहीं उतरी रावली में दरे तो है ही नहीं अब आ जाते हैं नदी पे किस पे आ जाते हैं नदी सेवटी क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी थी कांतली नदी सेवटी क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी थी कांतली नदी कांतली नदी पहले दो जिलों में बहती थी कांकली सीकर और झुंझुनू सीकर और झुंझुनू अब ये तीन जिलों में हो गई कितने जिलों में हो गई तीन की मुख्य नदी है कौन सी कांतली नदी ठीक है इसका उद्गम कहां से होता है खंडेला की पहाड़ी सीकर से खंडेला की पहाड़ी आज भी सीकर में ही है रघुनाथगढ़ की चोटी आज भी सीकर में ही है रघुनाथगढ़ की चोटी आज भी सीकर में है क्लियर तो बताओ खंडेला की पहाड़ी कहां बताओ सीकर खंडेला की पहाड़ी सीकर यहां से कांतली नदी का उद्गम होता है यहां से कांतलिंग फिर सिकर के बाद जाती है नीम का थाना और नीम का थाना के बाद कहां कहां बताओ बताओ कामदाओं सिकर सिकर के बाद नीम का थाना और नीम का का थाना थाना और के बाद कहां बताओ कहां बताओ झुंझुनू तो पहले यह कितने जिलों में बहती थी पहले यह दो जिलों में बहती थी सिकर और झुंझुनू सिकर और झुंझुनू अब यह सिकर में भी बहती है सिकर से तो उद्गम होता है नीम का थाना में जाती है नीम का थाना और उसके बाद कहां जाती है उसके बाद यह जाती है झुंझुनू कहां बताओ झुंझुनू तो अब यह तीन जिलों में प्रवाहित होती है पहले यह दो जिलों में प्रवाहित होती थी अब ये तीन जिलों में प्रवाहित होती है ठीक है अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कांतली नदी ठीक है कांतली नदी के बारे में क्या क्या जानते हो तो बताओ उद्गम कहां से हो गया यह तो हो गया इसका उद्गम उद्गम खंडेला की पहाड़ियां सिकर और यह झुंझुनू चूरू और झुंझुनू की सीमा पर जाके यहां पर विलीन हो जाती है ठीक है में विलुप्त हो जाती है इसलिए ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, तो है। लेकिन तो तो हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा राजस्थान कई बार पाकिस्तान भी जाती पूर्णतः राजस्थान eh? में राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूरी तरह राजस्थान में बहती है ठीक है खंडेला टू मंडरेला खंडेला टू मंडरेला शिखर चूरों और झुंझुनू की सीमा पर है मंडरेला यहां जाके समाप्त हो जाती खंडेला टू मंडरेला राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कितने किलोमीटर सौ किलोमीटर सौ किलोमीटर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात पहले यह कितने जिलों में बहती थी पहले यह दो जिलों में बहती थी अब यह कितने बताओ यह तीन जिलों में प्रवाहित होती है तीन जिलों में प्रभावित होती पहले ये दो में होती थी तीन जिलों में प्रभावित होती है अब कौन सा एक्स्ट्रा आ गया नीम का थाना एक्स्ट्रा आ गया तीन जिलों में प्रभावित होती है सेकावटी क्षेत्र की मुख्य नदी है क्यों चूरू में तो कोई नदी बहती नहीं चूरू में तो कोई नदी बहती नहीं सैकावटी क्षेत्र की मुख्य नदी सेवटी क्षेत्र की क्या बताओ मुख्य नदी क्षेत्र की मुख्य नदी तो यह सैकावटी क्षेत्र की क्या बताओ मुख्य नदी है कावटी क्षेत्र की मुख्य नदी और क्या महत्वपूर्ण बात है तोरावटी बेसिन पहले कहां पड़ता था सीकर में कांतली नदी के बेसिन को तोरावटी बोलते थे अब क्या बोलेंगे तोरावटी बेसिन तो अब तोरावटी बेसिन सीकर में नहीं रहा है ये गलती मत कर देना ये भी अब चेंज कर लेना आप तोरावटी बेसिन अब कहा गया नीम का थाना में आ गया ठीक है अब तोरावटी बेसिन का आ गया बताओ

गणेश्वर सभ्यता सेकर में थी सुनारी सभ्यता पहले कहां थी झुंझुनू में थी अब दोनों ही कहां गई दोनों ही नीम का थाना आप दोनों ऐसा नहीं सुनारी सभ्यता है कैसे बताओ तामर युगन तो दोनों ही अब का थाना में दोनों गई बताओ नीम का थाना में आ गई तो, 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 तो एक तो मेजर चेंज क्या हुआ है मेजर चेंज कांतली नदी पहले दो जिलों में बैठी थी अब कितने जिलों में होगी तीन जिलों में एक तो यह चेंज हुआ है दूसरा क्या चेंज हुआ है तोरावटी बेसिन पहले कहां था सीकर में था अब नीम का थाना में आ गया और ये दोनों सभ्यताएं ये ये में 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 थी ये जुन जिलों में, अब दोनों नीम का थाना में आ नीम का का थाना थाना आ आ गई गई तो पहले तो तोरावटी बेसिन किस जिले में था सिकर में था अब तोरावटी बेसिन क्या कहोगे नीम का थाना जिले में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कहां बताओ नीम का थाना क्षेत्र में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र नीम का थाना जिले में थाना जिले में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र नीम का थाना जिले में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र नीम का थाना जिले में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है तोरावटी बेसिन कहलाता है क्या कहलाता है तो तोरावटी वैस कहलाता है फिर बात करें गणेश्वर सभ्यता गणेश्वर सभ्यता कैसी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता चलिए गणेश्वर सभ्यता के बारे में आप क्या क्या जानते हैं फटाफट बताओ देखिए गणेश्वर सभ्यता के बारे में आप क्या क्या जानते हैं आज सारी जानकारी बताएंगे आपको गणेश्वर सभ्यता के बारे में पहले आप बता दो क्या क्या जानते हो गणेश्वर सभ्यता के बारे में गणेश्वर सभ्यता के बारे में आप क्या क्या जानते हो फिर मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको गणेश्वर सभ्यता ताकि दोबारा कभी आपको सभ्यता गणेश्वर सभ्यता पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बताओ देखें क्या क्या जानते हो गणेश्वर सभ्यता के बारे में गणेश्वर सभ्यता के बारे में क्या क्या जानकारी आपके पास चलिए तो गणेश्वर सभ्यता कहां है तो नीम का थाना रेवासा प्रॉपर स्थान है रेवासा और ये रेवासा कहां पड़ता है नीम का थाना जिले में नीम का थाना जिला स्थान का नाम तो रेवासा है पहले रेवासा सीकर पढ़ते थे अब क्या पढ़ोगे रेवासा नीम का थाना जिला है प्रॉपर स्थान है रेवासा और जिला कौन सा हो गया नीम का थाना जिला नीम का थाना जिला आज मैं आपको सभ्यता के बारे में बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा किस नदी के किनारे है तो नदी तो वही है कांतली नदी के किनारे लेकिन जिला चेंज हो गया कांतली नदी के किनारे जिला, जिला क्या हो गया चेंज हो गया कांतली नदी के किनारे फिर यदि आपसे पूछेंगे इसके खोजकर्ता कौन है इसके खोजकर्ता कौन है सी अग्रवाल रतन चंद्र अग्रवाल ठीक है और विजय कुमार तो आरसी अग्रवाल लिखते जाओ आप मेरे साथ साथ और यदि आपके पास पहले से नोट्स लिखे हैं तो उसको अपडेट कर लो उसको क्या कर लो अपडेट जो फैक्ट नहीं लिखा है उसको लिख लो या किसी फैक्ट को चेंज करना तो कर लो ठीक है खोज करता आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ठीक है विजय कुमार फिर यदि आपसे पूछेंगे गणेश्वर सभ्यता कैसी सभ्यता है तामर युग सभ्यता कैसी सभ्यता बताओ युगीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता कैसी सभ्यता आपसे कोई पूछे तो ताम्रयुगीन सभ्यता कैसी सभ्यता बताओ तामर संचय संस्कृति तो या ताम्रयुगीन सभ्यता है। है। सभ्यता तो गणेश्वर सभ्यता कैसी सभ्यता है तांबे के यहां पर अवशेष मिले तांबे के भंडार मिले ठीक है यह आपको ध्यान रखना है क्लियर यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसी को ताम्र संचय संस्कृति बोलते हैं क्यों बोलते हैं इसका कारण भी समझ लो हाँ, आपने हमेशा रटते हो कि इसको ताम्र संचय संस्कृति बोलते हैं क्यों बोलते हैं जी संपूर्ण भारत में ताम्र संचयी सभ्यता क्यों बोलते हैं इसको संपूर्ण भारत में संपूर्ण भारत में पूरे भारत की यदि बात करें पूरे भारत की यदि बात करें तो एक, ही तो एक ही स्थान पर, ही पर सबसे ज्यादा यदि कहीं तांबे के भंडार मिले तो गणेश्वर पर एक ही स्थान पर, पूरे में एक पर सबसे ज्यादा कहीं तांबे के भंडार मिले तो इसी पुरातत्व स्थल पर मिले इसलिए बोलते हैं सभ्यता क्यों बोलते हैं इसका कारण आपको समझ में आना चाहिए संपूर्ण भारत में एक ही स्थान पर संपूर्ण भारत में संपूर्ण भारत में एक ही स्थान पर सर्वाधिक तांबे के भंडार इसी पुरातत्व स्थल पर मिले संपूर्ण भारत में एक ही स्थान पर एक ही स्थान पर रटना नहीं है क्यों कहते हैं इसका कारण समझ में आना चाहिए सर्वाधिक तांबे के भंडार सर्वाधिक तांबे के भंडार इसी पुरातत्विक दि स्थल पर मिले इसी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए इसी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए इसलिए इसे क्या बोलते हैं तामर संचय के भंडार सबसे ज्यादा यही मिले इसलिए इसे तामर संचय संस्कृति बोलते हैं क्या बोलते हैं तामर संचय है संस्कृति इसी को तामर युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है क्लियर क्लियर यह आपको ध्यान में रखना है इसी को क्या कहा जाता है इसी को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जन्नी कहा जाता है ताम्रयुगिन सभ्यताओं की जन्नी तो आप रेवासा नहीं लिखे सीधा इस नीम का थाना कर सकते हो क्लियर रेवासा नहीं सीधा ही कर लो ताम्रयुगिन सभ्यताओं की जन्नी क्यों कहा जाता है इसका कारण बताओ इसे ताम्रयुगिन सभ्यताओं की जन्नी क्यों कहा जाता है क्यों कहा जाता है इसका कारण बताओ और किसने कहा था यह भी आपको बताओ किसने कहा था ये लगभग ये किसने कहा था बताओ देखे राजस्थान में, भी, में भी जितने भी राजस्थान में जितने भी तांबे के भंडार मिले हैं जितने भी पुरातत्व स्थल सबसे पुराने यही मिले हैं कितने ईसा पूर्व ठीक है 2800 ईसा पूर्व 2800 ईसा पूर्व का मतलब क्या है ईस्वी से भी पूर्व और अभी ईस्वी कौन सी चल रही है अभी 2023 हजार ईस्वी चल रही है तो ये और जोड़ दो ईसा पूर्व को ईस्वी में चेंज करने के लिए जोड़ना पड़ेगा ना ठीक है ये और जोड़ लो ठीक है सत्तावन साल और जोड़ना पड़ेगा तो लगभग लगभग हो जाएगा यह अड़तालीसो ईस्वी यानी अड़तालीसो साल पुराना इतिहास है यहां का अट्ठाईस ईसा पूर्व है ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो जोड़ेंगे जोड़ेंगे सत्तावन और जोड़ेंगे ठीक है तो आप सब कोई पूछ ले इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता है इसलिए कहा जाता है कि बताओ राजस्थान में सर्वप्रथम तांबे के भंडार इसी, इसी, इसी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए तांबे के भंडार इसी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए इसी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए सबसे पहले तांबे के भंडार राजस्थान में इसी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए इसलिए इसे ताम्रग्न सभ्यताओं की जननी कहा कितने 2800 ईसा पूर्व 2800 ईसा पूर्व सबसे पहले यही मिले और इसे ताम्रग्ञ सभ्यताओं की जननी कहा किसने था विजय कुमार ने कहा था किसने कहा था इसके खोज करता थे विजय कुमार विजय कुमार ने कहा था किसने कहा था विजय कुमार ने कहा था तीसरा इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है तीसरा इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसे ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है तो इसे पुरातत्व का क्या कहा जाता है पुष्कर कहा जाता है तो पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है तो गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है ठीक है फिर आप समझेंगे यहां की वस्तुओं में 99 परसेंट तामा मिलता था यहां की जितनी भी वस्तुएं मिली है यहां की वस्तुओं में

मकानों का निर्माण इंटू की बजाय से हुआ है यह सबसे ये एग्जाम में पूछा गया है कौन सी ऐसी सभ्यता जहां मकानों का निर्माण इंटू की बजाय से हुआ है सेवा मकानों का निर्माण इंटू की बजाय से हुआ है इंटू की बजाय की सेवा बताओ से हुआ है तो यहां मकानों का निर्माण इंटू की बजाय की सेवा बताओ से हुआ है इंटू की बजाय पत्रु से हुआ है कौन सी सभ्यता ऐसी है जहां मकान इंटू से नहीं बनके पथरु से बने तो है गणेश्वर सभ्यता गणेश्वर सभ्यता ये भी आपको ध्यान में रखना इसलिए तो क्या बोलते है। हैं ताम्रयुगीन सभ्यता उपकरण मिले यहां से तांबे के क्या बताओ उपकरण मिले जैसे कौन कौन से उपकरण मिले मछली पकड़ने का कांटा तांबे के कौन कौन से उपकरण मिले हैं ठीक है तो तीर बाण, तलवार तीर बाण, तलवार मछली पकड़ने का कांटा इत्यादि और भी बहुत सारी चीजें मछली पकड़ने का कांटा मछली पकड़ने का कांटा क्लियर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है गणेश्वर सभ्यता की जो बड़ी महत्वपूर्ण है बहुत कम लोगों को पता है ठीक है या कपीस मर्दमांड मिले हैं क्या मिले कपीस मर्दमांड छह प्रकार के मर्दमांड मिले जिनमें से कपीस मर्धांड मिले हैं क्या मिले बताओ तो? कपीस मर्धवांड भी यहां पर मिले हैं ठीक है बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है यहां से no. तांबे का निर्यात किया जाता था ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से तांबे का निर्यात किया जाता था तो बताओ गणेश्वर सभ्यता ऐसी सभ्यता जहां से तांबे का निर्यात इतना तांबा होता था तांबे का निर्यात किसको किया जाता था हड़पा मोहनजोदड़ो और कालीबंगा को किया जाता था ड़पा मोहन जोदड़ो और तांबे का निर्यात किया जाता था यहां से तांबे का निर्यात किसको किया जाता था तो एग्जाम में पूछा गया है कौन सी सभ्यता जहां से तांबे का निर्यात होता था तो गणेश्वर सभ्यता से तांबे का निर्यात होता था कहा किसको किया जाता था तांबे का निर्यात से तांबे का निर्यात एक तो हड़पा को किया जाता था तांबे का निर्यात हड़पा को किया जाता था और किसको मोहनजोदड़ो हड़पा और मोहनजोदड़ो को और कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है ठीक है हड़पा मोहनजोदड़ो मोहन जोधड़ो जो और कालीबंगा इनको तांबे का निर्यात किया जाता था इनको तांबे का निर्यात तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन सी सभ्यता जहां से तांबे का निर्यात किया जाता था ठीक है जहां से तांबे का क्या जा किया जाता था निर्यात किया जाता था क्लियर ये आपको ध्यान में रखना है क्लियर तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए किसके बारे में गणेश्वर सभ्यता कौन से बताओ गणेश्वर इतनी बातें जब पता होगी गणेश्वर सभ्यता तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में फटाफट देख लो कहा किनारे खोजकर्ता अग्रवाल और विजय कुमार है साथ ही गणेश्वर सभ्यता को ताम्रुगिन सभ्यताओं की जन्नी कहा जाता है ठीक है सॉरी ताम्रुगिन सभ्यता कहा जाता है ठीक है यह ताम्रुगिन सभ्यताओं की जन्नी क्योंकि सबसे सब पहले तांबे के भंडार यही मिले ताम्र संचय संस्कृति एक ही स्थान पर सबसे ज्यादा तांबे के भंडार मिले पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है 99% जो वस्तुएं होती उनमें तांबा मिलता था मकानों का निर्माण यहां से ईटू से नहीं बल्कि पत्थरों से हुआ है। किस से हुआ है है पत्थरों से ठीक यहां तांबे के उपकरण मिले तांबे के उपकरण भी मिले कपीश मधवान और का किया जाता। यदि इतनी बातें पता है तो आपकी गणेश्वर कंप्लीट हो गई अब आ जाते हैं दूसरी सुनारी सभ्यता कौन सी सभ्यता सुनारी सभ्यता बताओ सुनारी सभ्यता किस जिले में आ गई सुनारी सभ्यता है कहां

क्योंकि देखो बड़ा चेंज हुआ है गणेश्वर सभ्यता शेखर में थी सुनारी सभ्यता थी अब अब दोनों दोनों का का थाना में आ गए। अब दोनों का आ गई झुंझुनूर लो तो लोहयुगिन सभ्यता है यह कैसी बताओ लोहयुगीन सभ्यता है कैसे सभ्यता है वो ताम्रुगिन है और ये कैसे बताओ लोहयुगिन सभ्यता लेकिन चेंज हो गया जिला जिला क्या हो गया इसका चेंज हो गया इसकी खोज किसने की विजय कुमार ने की थी इसकी खोज विजय कुमार ने की थी उन्नीस सौ अस्सी में विजय कुमार तो इसकी खोज किसने की थी बताओ विजय कुमार ने की थी किसने की थी बताओ विजय कुमार ने की थी क्लियर फिर आपसे पूछेंगे सुनारी सभ्यता किस नदी के किनारे है किस नदी के किनारे है तो सर यह पहले भी कांतली नदी के किनारे है और अभी कांतली नदी के किनारे कांतली नदी के किनारे और यहां लोह गलाने की भंडी में भट्टी मिली सभ्यता तो लोहे लो गलाने की लोहा गलाने की भट्टी मिली यहां पर लोहा गलाने की क्या मिली भट्टी मिली लोहा गलाने की भट्टी मिली की तो ये दोनों सभ्यताओं की जगह चेंज हो गई ठीक है दोनों सभ्यताओं की जगह चेंज हो गई यह भी आपको तो सुनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता दोनों कहा गई ठीक है हां भोजन में चावल के प्रमाण मिले ये बात सही है किसके प्रमाण कि लोग यहां के चावल खाते थे चावल के प्रमाण अब दोनों सभ्यताओं का जिला चेंज हो गया बस कहने का मतलब यह नदी वो की वो की है जगह क्या हो गई जिला चेंज हो गया गणेश्वर सिकर में थी ठीक है और नीम का थाना सुनारी झुंझुनू में थी अब दोनों का का नीम का थाना थाना गई नीम का तो यह हो गई नदियों में चेंज नदियों के साथ सभ्यता भी चेंज होगी नदियों के साथ क्या होगी सभ्यता भी चेंज होगी अब आ जाते हैं हमने चोटियां देख ली नदियां देख ली ठीक है उसके साथ सभ्यता भी देख ली अब जो बड़ी महत्वपूर्ण बात देखना जा रहे हैं वह है कंजर्वेशन जोन कंजर्वेशन जोन बताओ बीड कंजर्वेशन जोन किस जिले में है बीड कंजर्वेशन जोन डीजे बंद कर दे अरे डीजे मंगवा देंगे आपके पहले गवर्नमेंट जॉब लग जाओ ठीक है बातें मत करो ठीक है फ्रेंड्स कैसे हो ठीक है फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स फ्रेंड जैसे ही हैं अभी पढ़ लो नहीं तो डीजे क्या फिर घर वाले बैंड बाजा भी नहीं लाएंगे डीजे तो दूर की बात है बैंड बाजा भी नहीं लाएंगे ठीक है चलिए सबके लिए डीजे मंगवा देंगे आप बस गवर्नमेंट जॉब लग के कह दो राहुल सर हम गवर्नमेंट जॉब लग गए आपके लिए डीजे हम मंगवा देंगे आपके लिए डीजे हम मंगवा देंगे चिंता मत करो फोन कर देना आप तो गवर्नमेंट जॉब लग के राहुल सर में गवर्नमेंट जॉब लग गया ठीक है तो डीजे हम मंगवा देंगे आपके बस चिंता मत करो चले फिर अब मुझे तो बीड कंजर्वेशन जोन कहा है बीड कंजर्वेशन जोन कहा है बीड कंजर्वेशन जोन कहा है देखते कितने साथी सही बताते हैं बीड कंजर्वेशन जोन कहा है बीड कंजर्वेशन जोन कहा है चलिए देखते हैं पे एक नाम सुना होगा बीड हमने यह भी तो सुना एक मनसा माता कंजर्वेशन जोन है मनसा माता कंजर्वेशन जोन राजस्थान में कितने कंजर्वेशन जोन है राजस्थान में कितने कंजर्वेशन जोन है ठीक है बताओ मनसा माता कंजर्वेशन जोन संरक्षित क्षेत्र और हर एग्जाम में एक ना एक पक्का आता है मनसा माता कंजर्वेशन जोन ठीक है बांस्याल बांस्याल खेतरी कंजर्वेशन जोन बांसाल खेतरी कंजर्वेशन जोन एक बांश्याल खेतरी बागोर कंजर्वेशन जोन बांस्याल खेतरी बांस्याल खेतरी बागोर ये दो है फर्स्ट और सेकंड कंजर्वेशन जोन एक बीड कौन सा बताओ बीड और एक साकंबरी एक साकंबरी और एक बीड कंजर्वेशन जोन बीड कंजर्वेशन जोन बताओ देखे बिल्कुल 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 अब देखो कितना आंसर बताते हैं मनसा माता कंजर्वेशन जोन ये किस जिले में है बांस्याल खेतड़ी और बांस्याल खेतड़ी बागोर ये दो है और साकंबरी और बीड ये कंजर्वेशन जोन अब किस किस जिले में है ये कंजर्वेशन जोन अब किस किस जिले में चलिए मनसा बांसवाड़ा वो अलग है मनसा अलग है क्लियर मनसा माता कंजर्वेशन जोन उदयपुर उदयपुरवाटी में है सर पहले उदयपुरवाटी कहां पड़ता था झुंझुनू में पड़ता था अब कहां गया वाटी नीम का थाना में आ गया कहां गया अब

थाना नीम का थाना यानी ये तीनों ऊपर वाले ये तीनों के तीनों अब नीम का थाना जिले में आ गए हैं तो ये ज्योग्राफी में बड़ा चेंज हो गया है आप मैं यही तो कह रहा हूं जहां जहां आपके चेंज हो रहा है उसको टिक मार कर लो यही तो अपडेट है इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना तो आप समझेंगे मनसा माता कंजर्वेशन जोन बांस्याल और बांस्याल खेतरी बागो ये तीनों नीम का थाना में आ गया ये तीनों के तीनों का आगे अब नीम का थाना में आ गया तीनों कंजर्वेशन जोन अब नीम के थाना में ठीक है नीम का थाना बहुत कुछ ले गया सीकर और झुंझुनू को बहुत कुछ आपको पता है ठीक है सीकर और झुंझुनू को सीकर और झुंझुनू का बहुत कुछ लूट के ले गया कौन होता ठीक है नीम का थाना साकंबरी और बीड ठीक है साकंबरी अभी भी सीकर में है साकंबरी माता का मंदिर वो अलग है सांबर वाला ठीक है और बीड अभी भी झुंझुनू में है इनके पास अब एक एक बचे हैं

इस पे मेरे तमाम कोर्सेज हैं और इनपे पंद्रह परसेंट का ऑफर चल रहा है मेरा कोई सा भी कोर्स लोगे आप भले ही पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक साइंस टेक फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड आर एस पी एस आई महिला एस आई कोई सा भी कोर्स लोगे पंद्रह परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है चलिए तो ये कंजर्वेशन जोन देख लेना ये चेंज हो गया ये क्या हो गया चेंज हो गया तो ये कंजर्वेशन जोन क्या हो गया चेंज हो गया। अब आ जाता है खनिज खनिजों में क्या क्या बदलाव आया है खनिज में क्या क्या बदलाव आया है खनिज में क्या क्या बदलाव आया है देखिए खनिज की यदि बात करें तो बताओ पहले तामर जिला किसे कहा जाता था पहले तामर जिला कहा जाता था किसको बताओ झुंझुनू को कहा जाता था अब तामर जिला कहेंगे नीम का थाना को किसका बताओ नीम का थाना सर तामर जिले का टेग भी ले गया तामर जिले का टेग भी ले गया ठीक है का थाना कौन से जिले में आ गया का थाना जिला तो अब आपसे कोई पूछे तांबर जिला अब कहां गया पहले तांबर जिला झुंझुनू को बोलते थे खेतड़ी की वजह से बोलते थे अब तो खेतड़ी खुद आ गया नीम का थाना में ठीक है तांबर जिले का टेक भी चला गया हाँ, न्यू ज्योग्राफी देंगे बिल्कुल न्यू ज्योग्राफी देंगे जो अपडेट होगी वो सब देंगे हाँ इनके क्वेश्चन आर एस मेन्स में तो आएंगे आएंगे क्यों नहीं आएंगे हाँ ज्योग्राफी चेंज होगी तो ज्योग्राफी में जो चेंज हुआ है वो अपडेट कर देंगे वहां

तामर जिला क्यों बोलते हैं ठीक है नीमका थाना को इसलिए बोलते हैं क्योंकि नीमका थाना में एक तहसील आ गई खेतड़ी कौन सी आ गई खेतड़ी खेतड़ी में कौन सा खनिज निकलता है तांबा खेतड़ी में कौन सा खनिज निकलता है तांबा खनिज निकलता है कौन सा बताओ तांबा खनिज निकलता है ठीक है खेतड़ी में तांबा खनिज निकलता है और यदि बात करें खेतड़ी की तो बताओ खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ठीक है एस इसका संयंत्र भी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई 1966 में हुई थी कब हुई थी सॉरी उन्नीस में हुई थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई उन्नीस में तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयंत्र कहाँ है खेतड़ी खेतरी जिन मत कर देना खेतड़ी नीम था का थाना में कहा है नीम का थाना और इसकी स्थापना कब हुई उन्नीस सौ सड़सठ में होती उन्नीस सौ में ठीक है अब यदि बात करें तो बताओ तामर जिला का टेक किसके पास आ गया नीमका थाना के पास आ गया ठीक है थाना में कौन से खेतरी और यहां पर तांबा निकलता है और यहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय भी है कौन सा नीमका थाना, नीम थाना एक और बात तांबे के अलावा लोहा लोहा कौन सा बताओ लोहा डाबला सिंगाना डाबला सिंगाना डाबला सिंगाना डाबला सिंगाना पहले कहां पड़ता था डाबला सिंगाना पहले झुंझुनू में पड़ता था अब डाबला सिंगाना कहां गया बताओ नीम का थाना डाबला सिंगाना कहां गया नीम का थाना नीम का थाना तो लोहा ऐसक, ठीक है लोहा ऐसक के लिए भी अब नीम का थाना प्रसिद्ध है किसके लिए लोहा ऐसक के लिए भी नीम का थाना प्रसिद्ध है चलिए सर ज्योग्राफी के कोर्स और यूट्यूब देखिए यूट्यूब पे जो वीडियो है ऑब्जेक्टिव है और जो ऐप में जो कोर्स है ना वो थ्योरी में है किसम बताओ थ्योरी में थ्योरी पढ़ना तो आप मेरे साथ ऐप में पढ़ सकते हैं मैया पाठशाला ऐप में तो बताओ अब तांबे के साथ क्या निकलने लग गया लोहा भी निकलने लग गया तांबे के साथ क्या बताओ लोहा भी निकलने लग गया तो तांबा तो पहले निकलता था अब बताओ तांबे के साथ क्या बताओ लोहा भी निकलने लग गया क्या निकलने लग गया लोहा तो तांबे के साथ अब क्या कर लेना लोहा को भी अपडेट कर लेना किसको बताओ लोहा को भी अपडेट कर लेना क्लियर इसके अलावा तांबा और कहां निकलता है तांबा खेतरी में तो निकलता ही है ठीक है मीरा का नांगल मीरा का नांगल बनने वालों की ढाणी कौन सी बताओ बेनी वालों की ढाणी नहीं है बनने वालों की ढाणी ठीक है बनने वालों की ढाणी मीरा का नांगल बनने वालों की ढाणी यह भी अब कहां आ गया बताओ नीम का थाना में आ गया कहां गया नीम का थाने में आ गया

है। और कौन कौन से बेरिलियम खनिज कौन सा बताओ बेरिलियम खनिज बेरिलियम भी कहां बताओ नीम का थाना में कहा बताओ नीम का थाना में अबरक और तामड़ा अबरक और तामड़ा ये कहा ये नीम का थाना सर नीम का थाना में भी कहा नीम का थाना में भी कहा तो बताओ बागेश्वर कौन से बताओ बागेश्वर नीम का थाना बागेश्वर वाला बाबा नहीं बागेश्वर वाला बाबा नहीं ठीक है <laughs> एक जगह पड़ती है नीम का थाना में ठीक है ऐसा नहीं बागेश्वर वाला बाबा बताओ जो आपको यू, आपको यूरेनियम की खान है रोहिली रोहिली नाम सुना रायल या सुनाली यूरेनियम की खान ठीक है वो किस जिले में वो किस जिले में पायराइट झूठा सोना पायराइट झूठा सोना ठीक है पायराइट को क्या बोलते हैं झूठा सोना ठीक है पायराइट को क्या बोलते हैं झूठा सोना वो तो अभी सीकर में है इट का कुछ भाग यहां पर है पायराइट का कुछ भाग है पायराइट जिसको बोलते हैं अब तो यूरेनियम की खान है कौन सी बताओ वो, वो जुन रोहिली वेरी गुड सभी साथी अच्छा आंसर बता रहे हैं। बहुत खूब रोहिली बताओ देखे रोहिली तब तक आगे बढ़ते हैं अपन तब तक अपन आगे बढ़ते हैं वेरी गुड चलिए आगे देखते हैं अपन यहां पे कौन कौन से तालाब है कौन कौन से तालाब है उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से तालाब बने हुए उनको भी अपन देख लेते हैं तालाब कौन कौन से बने हुए कि यहां पे अब देखिए हम खनिज आगे खनिज के बाद अब तालाब पे आ जाते हैं रोहिली अबीबी सिक्कर में रोहिली अबीबी सिक्कर में है रोहिली अबीबी कहा है बताओ सिकर में यूरेनियम की खान रोहिली अबीबी सिक्कर में इसको इधर मतलब इसी प्रकार नीम का खाना में कौन कौन से तालाब है कौन कौन से तालाब है तालाब की यदि अपन बात करें कोट बांध कोट तालाब या कोट बांध कौन सा बांध कोट बांध ठीक है कौन सा बताओ कोट बांध कायम बांध कायम बांध कौन सा बताओ कायम बांध ठीक है और इसी के साथ पापड़ा तालाब पापड़ा तालाब एक है पन्ना सा का तालाब पन्ना सा तालाब पन्ना सा तालाब कौन सा होता पन्ना साह का तालाब कौन सा होता पन्ना साह का तालाब इसके अलावा अजीत सागर तालाब अजीत सागर तालाब मुझे बताओ प्रीतमपुरी झील किस जिले में है प्रीतमपुरी झील किस जिले में सिकर झुंझुनू या नीम का थाना प्रीतमपुरी हां ऐप पे जो भी कोर्स लिया आपने रिकॉर्डेड लिया कोई सा भी लिया सब अपडेट होगा सब अपडेट होगा क्लियर अब मुझे बताओ कोट बांध कायम बांध पापड़ा तालाब पन्ना सा का तालाब अजीत सागर तालाब ये सारे के सारे अब कहा आगे सारे के सारे नीम का थाना में आगे सर पन्ना सा का तालाब तो खेतड़ी झुंझुनू में था अब खेतरी तो खुद ही नीम का थाना में आ गया सागर तालाब अजित सागर तालाब तो खेतरी में था खेतरी तो खुद ही आ गया नीम का थाना में और ये नीम का थाना में थी तो ये सारे तालाब और बांध अब कहां गए नीम का थाना।, थाना जिला तो ये सारे अब कहा थाना जिला में कहा बताओ का थाना जिले में तो ये आपको अच्छे से देखना है क्लियर बताओ प्रीतमपुरी झील कहां है अभी झील कहां है चलिए तो ये सारे के सारे कोट कायम पापड़ा पन्ना खेतड़ी वाला अजी सागर यह आगे अब नीम का थाना जिले में कहा गया नीम का थाना जिले में आ गया क्लियर अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है हाँ अब नीम का थाना में आ गया उदयपुर वाटी झुंझुनू में था पहले अब उदयपुर वाटी तो खुद नीम का थाना में आ गया संदीप उदयपुर वाटी तो खुद कहां गया यह जिला है जिला लिखा मैंने पीछे ठीक है तो उदयपुर वाटी तो खुद कहां गया भाई ये खेतरी में थे ये खेतरी में थे खेतरी खुद कहा गया नीम का, का थाना कोट बांध उदयपुर वाटी में था उदयपुर वाटी खुद कहा गया नीम का थाना कहा गया नीम का थाना क्लियर था हाँ एप में न्यू जोग्राफी करवाएंगे करवाएंगे वाएंग कर कराएंगे चिंता मत करो आगे बढ़ते हैं हाँ रेवासा शिखर में हो सकता है लेकिन आपको यह याद रखना है रेवासा शिखर में हो सकता है लेकिन गणेश्वर सभ्यता कहा है तो यहां आ गई नीम का थाना तो ये हो गए तालाब ये हमने क्या कर लिया तालाब लिए जितने भी तालाब थे वो सारे हमने क्या कर लिए एक साथ कर लिए अब आ जाते हैं आगे अब क्या आ जाते हैं आगे देख लेते हैं यहां तक तो कोई डाउट है तो बताओ ये ज्योग्राफी के तमाम फैक्ट थे ज्योग्राफी के तमाम फैक्ट हमने कर लिए ज्योग्राफी के तमाम फैक्ट थे वो हमने कर लिए एक सौर ऊर्जा संयंत्र भी देख लेते हैं ऊर्जा भी कर लेते हैं गोरीर ऊर्जा संयंत्र कौन सा गोरीर सौर ऊर्जा संयंत्र है ये जब हमने खनिज कर ली तो ऊर्जा भी देख लेते हैं बताओ देखे मेरा खाटू श्याम जी को आपको अपना ही जिला नहीं पता है या अपनी जगह नहीं पता है तो क्या पता होगा बताओ ठीक है आपको अपने बारे में नहीं पता है क्या बात है तो गौरी सौर ऊर्जा संयंत्र पाटन का युद्ध अभी पढ़ाएंगे पाटन पाटन नीम का थाना में आ गया क्लियर तो बताओ गौरी ऊर्जा संयंत्र यह पहले खेतरी में था खेतरी का मतलब झुंझुनू में था गौरी ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्र अब ये कहा गया नीम का थाना में आ गया तो ये नीम का थाना में आ गया तो ये भी अब चेंज हो गया ये भी क्या हो गया? हो गया गया चेंज तो जो जो चेंज हुए वो सारे का है. अब संयंत्र किस जिले में तो अब झुंझुनू जुन मत कर देना गौरी ऊर्जा अब झुंझुनू मत कर देना अब क्या करोगे गौरी ऊर्जा संयंत्र तो अब ऊर्जा संयंत्र खेतरी करोगे खेत खेतरी का मतलब है नीम का थाना करोगे नीम का थाना करोगे क्लियर यहां तक अब कोई डाउट है तो बताओ आगे चले फिर कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे चलें चलिए अब चलते हैं आगे सर हमें तो कोई डाउट नहीं है कोई दिक्कत नहीं तो डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं क्या चलते हैं आगे चलते हैं चलिए समझ तो हाँ में आ गया तो थम्सअप कर दो हां सर समझ में आ गया समझ में आ गया तो थम्सअप कर दो डेयरी की यदि बात करें किसकी बात करें डेयरी की डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट किस जिले में आ गया डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट किस जिले में आ गया डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट किस जिले में आ गया डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट किस जिले में आ गया बताओ देखें, डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट किस जिले में आ गया डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट किस जिले में आ गया डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट पहले झुंझुनू में था चलो बढ़िया बात है समझ में आ गया आपको चलिए डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट अब नीम का थाने में आ गया डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट बड़ा प्लांट डेयरी तो का सबसे बड़ा प्लांट अब कहां गया नीम का थाना नीम का थाना एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपके एग्जाम के लिए काम की हो सकती है वो है कि बताओ ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना कहा है उद्योग की बात करें ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना किस जिले में है ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना कार पहले कहां था तो पहले खेतरी में था खेतरी झुंझुनू में था अब कहा थाना में अब कहां बताओ नीम का थाना में तो यह उद्योग भी हो लिया हमने उद्योग भी देख लिया ठीक है डेयरी उद्योग भी देख लिया और ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना भी देख लिया ये भी हमने देख लिया अब कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब क्या बढ़ते हैं आगे चलते हैं <coughs> आगे चले तो देखिए अब थोड़ी हिस्ट्री कल्चर की बातें कर लेते हैं अब ज्योग्राफी की बातें कर ली खनिज कर ली ये सब कर लिया अब खनिज कर ली सौर ऊर्जा कर ली ठीक है सभ्यताएं कर ली नदियां कर ली कंजर्वेशन जोन कर लिए ठीक है अब, बात अब तो छोटे छोटे बांध भी देखने पड़ेंगे तहसील स्तर पर वो भी देखने पड़ेंगे अब आ जाते हैं हिस्ट्री पे किस पे आ जाते हैं अब थोड़ी हिस्ट्री की चर्चा कर लेते हैं हिस्ट्री वाले नाराज हो जाएंगे ठीक है पाटन 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 का पाटन का का युद्ध 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 कहां आ गया स्थल किस जिले में है पाटन का युद्ध स्थल किस जिले में है पाटन का जो युद्ध स्थल है पाटन अब तहसील है कहां की तहसील है नीम का थाना की पहले सीकर में थी अब नीम का थाना नीम का थाना नीम का थाना तो अब पाटन का युद्ध स्थल किस जिले में आ गया तो पाटन का युद्ध सीकर मत कर देना अब आपको नीम का थाना है। पाटन का पाटन का युद्ध हुआ कब था पाटन का युद्ध कब युद हुआ था? 20 जून 1790 को हुआ था 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ था 20 जून 1790 को कौन सा पाटन का युद्ध हुआ था महाज मराठा सेनानायक थे महाजी सिंधिया माधजी सिंधिया और राजपूत युग शासकों के बीच हुआ था माधजी सिंधिया और राजपूत शासकों के बीच हुआ था शासकों के बीच तो बताओ पाटन का युद्ध में विजय कौन हुआ था बताओ पिछली वाली निम्बाक संप्रदाय के कारण नीम हां बिल्कुल सही है वेरी गुड वेरी गुड बताओ पाटन अब कहां गया

तो आपसे कोई पूछ ले पाटन का युद्ध पाटन का युद्ध स्थल कहां गया नीम का थाना में आ गया अब क्या गया? का का आ गया पाटन का युद्ध स्थल कहा गया नीम का थाना में आ गया फिर यदि बात करें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए काम की है मनसा माता मंदिर मनसा माता मंदिर मनसा माता मंदिर एक है सक्राय माता का मंदिर यह बताओ सक्राय माता का मंदिर कहां है सक्राई माता का मंदिर कहां है सकराई माता का मंदिर बताओ देखें सकराई माता का मंदिर कहां है जिसको अपन साकंबरी माता भी बोलते हैं वैसे साकंबरी तो अलग है वो तो सांबर में है ठीक है बताओ मनसा माता का मंदिर कहां है मनसा माता का मंदिर ये उदयपुरवाटी झुंझुनू में है पहले झुंझुनू में थी उदयपुरवाटी सर अब तो चेंज हो गई उदयपुरवाटी नीम का थाना क्या बताओ नीम का थाना उदयपुरवाटी कहां गया नीम का थाना सकराई माता का मंदिर मनसा माता एक अलग है मनसा माता का एक और मंदिर है ठीक है जयपुर में भी है आमेर जयपुर में भी मनसा माता का एक मंदिर है आमेर जयपुर में भी है एक मंदिर इसका आमेर जयपुर में भी है आमेर जयपुर शहर जयपुर शहर यहां भी एक मंदिर इसका मनसा माता का ठीक है और मनसापुर करणी माता करणी माता देशमोख है मनसापुर करणी माता वो आपको उदयपुर में क्या बताओ उदयपुर में सबसे अधिक इनकम वाला जिला कौन सा अभी बता ही नहीं सकते किस आधार पर बताओगे फसलों के आधार पर खनिज के आधार पर उद्योग के आधार पर बताओगे इनकम नए जिलों की इनकम सोई नहीं हुई बताओ कैसे बताओगे वेरी गुड वेरी गुड तो बताओ आपसे कोई पूछ ले कि बताओ सकराय माता का मंदिर भी उदयपुरवाटी झुंझुनू में है उदयपुरवाटी झुंझुनू में झुंझुनू की जगह पर कर लो नीम का थाना उदयपुर नीम का थाना नीम का थाना तो सकराय माता का मंदिर भी है और मनसा माता का मंदिर भी है ठीक है मनसा माता का मंदिर भी सर आपकी राजनीतिक ज्ञान मेरी लाइफ लाइन बन गई बिल्कुल राजेश और अच्छे से करवाएंगे आपको नेक्स्ट है जोगीदास की छतरी का है जोगीदास की छतरी जोगी मेल नहीं पूछ रहा हूं जोगी मेल नहीं जोगीदास की छतरी किसकी छतरी जोगीदास की छतरी जोगीदास की छतरी जोगीदास की छतरी जोगी मेल अलग है वो तो रणथमोर दुर्ग में जोगी मेल जोगीदास की छतरी जोगीदास की छतरी चलिए तो आपसे कोई पूछ ले जोगीदास की छतरी भी उदयपुर वाटी में है कहां बताओ उदयपुर वाटी में उदयपुरवाटी यानी का थाना का नीम का थाना उदयपुर यानी नीम का थाना यहां जोगीदास की छतरी, किसके बताओ जोगीदास की छतरी भी जोगीदास की छतरी भी क्लियर और ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो आपको सर ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जोगीदास की छतरी, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जोगीदास की छतरी वित्तीय चित्रों के लिए प्रसिद्ध है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट लोहारगल में लोहारगल का है लोहारगल की चोटी भी है लोहारगल का है सर पहले झुंझुनू में पड़ता था लोहारगल तो अजमेर में पड़ता है लोहारगल ठीक है यह उदयपुरवाटी झुंझुनू में पड़ता था उदयपुरवाटी झुंझुनू अब नीम का थाना कर दो नीम का थाना एक तो लोहारगल की चोटी है लोहारगल की क्या है चोटी है और कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहां रुके थे अज्ञातवास के दौरान पांडव यहां रुके थे अज्ञातवास के दौरान अज्ञातवास के दौरान पांडवों की शरण स्थली पांडवों की शरण स्थली स्थली। और यहां लोहारगल चोटी भी है। क्या चोटी है? उसकी ऊंचाई मैंने अभी बताई थी आज से पूछे लोहारगल चोटी किस में झुंझुनू मत कर देना लोहारगल चोटी अब नीम का थाने में आ गई कहां गई नीम का थाना में ऊंचाई है एक हजार इकोन मीटर एक हजार तो ये आपको ध्यान रखना है सर, विज्ञान की कोचिंग राजनीति विज्ञान पढ़कर हो रही है कि मेरे से पढ़कर ठीक है और आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो तो कहने का मतलब दो चीजें सीखी आपने एक तो आप खुद तो आपको है कि एग्जाम तो क्रैक करने लायक है बनी गए इस योग्य तो आप बनीगे साथ ही साथ और लोगों का भी भला कर रहे हैं तो ये मुझे बहुत आपको खुशी हुई और मैंने कहा पॉलिटी का यदि बेच लोगे पॉलिटी का यदि आप मेरा बेच लोगे तो उसमें सारी चीजें पढ़ना भी सीखोगे पढ़ाना भी सीखोगे ठीक है चलिए फलोदी जिला कल पढ़ा देंगे ठीक है चिंता मत करो फलोदी कल पढ़ा देंगे तो ये लोहारगल चोटी है लोहारगल चोटी भी है यह भी आपको ध्यान में रखना है बताओ चौबीस कोशी परिक्रमा के लिए कौन जाना जाता है चौबीस कोश परिक्रमा के लिए कौन जाना था अब आ जाते हैं चौबीस कोष तो है अब आ जाते हैं हवेलियां थोड़ी देख लेते हैं सर हवेलियां भी पूछी जाती है हवेलियां भी पूछी जाती है हवेलियां भी बताओ सर चलिए अब यदि बात करें पंसारी की हवेली ये आपने बहुत पढ़ी होगी पंसारी की हवेली पंसारी की हवेली ये बहुत पढ़ी होगी आपने पंसारी की हवेली पढ़ी है सर पंसारी की हवेली हमने पढ़ी है ठीक है तो पंसारी की हवेली जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है पहले कहां कहा कहा गया नीम का थाना जिले में आ गया नीम का थाना तो ये एग्जाम में इंपोर्टेंट लगा लो इंपोर्टेंट लगा लो पंसारी की हवेली किस जिले में डायरेक्ट जिला पूछेंगे पंसारी की हवेली नीम का थाना जिले में ये गलती मत कर देना कि याद रह गया सर हमें पंसारी की हवेली तो सीखकर याद रह गया ये गलती मत कर देना ये गलती मत कर देना क्लियर सर जी आपकी बॉडी पर्सनालिटी अच्छी लग रही है ठीक है ये वर्चुअल लाइफ है ठीक है ये वर्चुअल लाइफ है ठीक है तो आप दूर से तकाजा लगा रहे हो है? क्या बात है चलिए तो पंसारी की हवेली गलत नहीं करोगे ना बताओ पंसारी की हवेली तो गलत नहीं होगी ना ऐसा नहीं एग्जाम में सर हमने तो एग्जाम में कह दिया पंसारी की हवेली ठीक है शिकर शिकर नहीं करनी अब नीम का थाना करना है क्या करना है नीम का थाना चलिए फिर यदि बात करें पंसारी की हवेली के, के बाद गोपीनाथ मंदिर गोपीनाथ मंदिर अभी तो छतरी आई थी जगन्नाथ की छतरी ठीक है जोगिनाथ की छतरी वो जोगिनाथ और ये गोपीनाथ गोपीनाथ का मंदिर गोपीनाथ का मंदिर कौन सा मंदिर बताओ गोपीनाथ ये भी श्रीमाधोपुर में ये भी गांव बताओ श्रीमाधोपुर में ठीक है कौन से गांव में कौन से गांव में तो बताओ श्रीमाधोपुर में थे लेकिन गांव कौन सा है ठीक है तो आपसे कोई पूछ ले निमड़ा गांव निमड़ा गांव प्रॉपर गांव है निमड़ा गांव तहसील कौन सी माधोपुर और जिला कौन सा नेम का थाना नीम का थाना तो गोपीनाथ और जोगीनाथ जोगीनाथ की छत्री है और गोपीनाथ का मंदिर है गोपीनाथ का मंदिर है क्लियर फिर यदि बात करें, चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ दिवराला सत्यकांड हुआ था उन्नीस में उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे सर आप कहां से पढ़ा रहे हैं अजमेर से पढ़ा रहे हैं ठीक है ठीके? अजमेर से आप क्लासेल मिल रही है आपको चलिए एक और बताओ ला सत्यांड हुआ था उन्नीस में उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे हरिदेव जोशी उन्नीस में कौन थे हरिदेव जोशी तीन बार बने थे हरिदेव जोशी पहले उन्नीस से सतहत्तर फिर दूसरी बार पिचासी से अठासी फिर एटी से नाइनटी तो दीवराला सत्य कांड हुआ था उन्नीस में उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी बैरो हरिदेव जोशी ये गलती मत कर देना क्लियर एक और प्रश्न जो दीवराला सत्य कांड हुआ था वो अब किस जिले में है दिवराला जो गांव है वो किस जिले में पड़ता अभी किस हां रूपकंवर सती हुई थी किस जिले में पड़ता है शिकर में पहले हम तो पढ़ते दिवराला सत्यकांड सिकर <coughs> अब कौन से जिले में पड़ता है अब कौन से जिले में पड़ता है बताओ देखे बताओ दिवराला सत्यिकांड कब तो हुआ था उन्नीस सौ सत्यासी में उन्नीस सौ सत्यासी में हुआ था ठीक है 4 सितंबर उन्नीस उसी के बाद प्रथा रोकथाम कानून आया था 4 सितंबर उन्नीस उसमें तात्कालिक मुख्यमंत्री कौन थे त्कालिक मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी इसलिए कहते हैं राजस्थान पॉलिटी वाली सीरीज जरूर देखना उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया आपको राजस्थान पॉलिटी पढ़ के मजा आ जाएगा आप राजस्थान पॉलिटी पढ़ोगे तो यूट्यूब पे करा रखा फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है कौन सा सत्य हुई थी रूप कवर सती हुई उसी के बाद सती प्रथा रोकथाम अधिनियम लाया गया सती प्रथा रोकथाम अधिनियम लाया गया अभी कहां पड़ता दे जो गांव है देवराला कहां पड़ता है ठीक है तो जो देवराला है दीवराला है यह माधोपुर तहसील में कौन से तहसील में श्री माधोपुर तहसील में श्री माधोपुर तहसील कहां गई पहले तो सीकर में थी इसलिए पढ़ते देवराला सत्यकांड सीकर अब पढ़ेंगे नीम का थाना अब क्या पढ़ेंगे नीम का थाना पहले तो सीकर पढ़ते थे अब क्या पढ़ेंगे नीम का थाना यानी आपका कुछ भी मैं बचने नहीं दूंगा यह आप ध्यान रखना मैं आपका कुछ भी नहीं बचने दूंगा जो भी जिला है उसको पूरा अपडेट करेंगे ऐसा नहीं कि कुछ फैक्ट बता दिए और जिला हो गया नहीं आप नोट्स बनाते जाओ मेरे साथ साथ ठीक है पूरा अपडेट करेंगे पूरा आपका अपडेट कराएंगे लाइक वाइक नहीं करा तो कर दीजिए क्लास को लाइक उसमें पीछे नहीं रहना है उसमें पीछे नहीं रहना त्रिवेणी धाम का मेला कहां लगता है सा त्रिवेणी धाम का मेला त्रिवेणी धाम का मेला त्रिवेणी संगम नहीं बोल रहे त्रिवेणी धाम का मेला त्रिवेणी धाम का मेला तो ये कहां लगता है त्रिवेणी धाम का मेला सर पहले तो सीकर में लगता था ठीक है अब कहां लगता है अजीतगढ़ अजीतगढ़ कहां पड़ता है श्रीमाधोपुर तहसील में पड़ता है अजीतगढ़ कहां पड़ता है पहले तो सर सीकर में पड़ता था अब श्रीमाधोपुर तहसील में और श्रीमाधोपुर तो आप आपको ध्यान में रखना है तो आपसे कोई पूछ ले तो तो कमला बेनीवाल का संबंध कहां से राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेलीवाल कमला बेलीवाल का संबंध कहां से है बताओ कमला बेलीवाल का संबंध कहां से है बताओ देखो फटाफट त्रिवेणी कहां लगेगा 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 नीम नीम का का था का थाना थाना जिले जिले में में कहां कहां बताओ राज्य पहला फूल उद्यान का है सरगोट सरगोट कहां पड़ता है सरगोट एक गांव का नाम है श्री माधोपुर तहसील में पड़ता है कहां बताओ श्री माधोपुर तहसील में पड़ता है और कौन सा जिला नीम का थाना मका थाना राजस्थान का पहला फूल उद्यान राजस्थान का पहला फूल फ्लावर गार्डन यहां है राजस्थान का पहला फूल उद्यान राज्य का प्रथम ठीक है सॉरी फल उद्यान फ्रूट गार्डन राज्य का प्रथम फल उद्यान राज्य का पहला फल उद्यान फल उद्यान तो राज्य का पहला फल उद्यान कौन सा है सरगोट में है ठीक है अब ये कहां गया तो राज्य का पहला फल उद्यान किस जिले में है तो अब आपसे पूछेंगे सिकर मत कर देना नीम का थाना राज्य का पहला हां सरगोड़ जयपुर साइड है वही ठीक है क्लियर तो राज्य का पहला फल उद्यान किस जिले में आ गया तो अब सिकर में मत कर देना नीम का थाना क्या बताओ नीम का थाना ये आप चेक कर लेना ये आप चेक कर लेना फिर आपसे पूछेंगे रामकृष्ण मिशन की पीठ कहां है रामकृष्ण मिशन <laughs> तो पहले खेतड़ी के बारे में समझ लेते हैं खेतरी एक तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतरी एक किसके लिए प्रसिद्ध है तांबे के लिए सर ये तो हमें पता है कि खेतरी तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतरी तांबे के लिए प्रसिद्ध है लेकिन खेतरी में खेतरी का मेल भी है खेतरी में खेतरी आ गया कहां तो खेतरी आ गया नीम का थाना में किस जिले में आ गया नीम का थाना जिला नीम का थाना जिला इसलिए तामर जिला अब किसे बोलेंगे तामर जिला बोलेंगे नीम का थाना को तामर जिला किस कमला बेनीवाल का संबंध गोरीर कहां से बताओ गोरीर जहां सौर ऊर्जा का प्लांट है ठीक है खेतरी में ये देखिए गोरीर जहां सौर ऊर्जा का प्लांट है गोरीर जहां पर सौर ऊर्जा का प्लांट है कमला बेनीवाल का संबंध यहीं से है जो राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी इनका संबंध यहीं से है क्लियर चलिए यदि बात करें नीम का थाना जिसे अब क्या बोलते हैं ताम्बर जिला बोलते हैं इसको ताम्बर जिला खेतड़ी के कारण खेतड़ी के हवा मेल खेतरी में क्या है खेतड़ी के हवा मेल क्वेश्चन आएगा खेतड़ी के हवा मेल किस जिले में है तो खेतड़ी के हवा मेल अब झुंझुनू मत कर देना खेतड़ी के हवा मेल अब झुंझुनू मत कर देना अब आप आपको नीम का थाना जिला करना खेतरी के हवा मेल खेतरी का महल बोल सकते हो खेतरी का महल इसे सेकाउटी का हवा मेल बोलते हैं खेतरी का महल खेतड़ी का महल खेतड़ी का मेल किस जिले में तो अब नीम का थाना जिला करना है शेखावटी का हवा मेल बोलते हैं इसे शेखावटी का क्या बोलते हैं हवा मेल शेखावटी का हवा मैंने आपको पढ़ाया था सलूम्बर का हवा मेल किसे कहा जाता है बताओ देखिए सलूम्बर का हवा मेल किसे कहा जाता है उसको चेंज कर लेना ठीक है तो आप समझेंगे सेकाउटी का हवा मेल तो बोलते हैं

निर्माण सत्रह ईस्वी में हुआ था और किसने कराया था महाराणा भोपाल सिंह ने सत्रह ईस्वी में महाराणा भोपाल सिंह महाराणा भोपाल सिंह ने कराया था ग्रेकावटी का हवा मेल भी कहा जाता है अब ये नीम का थाकावटी का हवा मेल किस जिले में नीम का थाना ठीक तो है आपको ध्यान में रखना है ये कैसी खेतड़ी का हवा मेल खेतड़ी का मेल पांच मंजिला है कैसे बताओ पांच मंजिला है पांच आकृति कैसी है मुकुट के समान आकृति कैसे मुकुट के समान मुकुट के समान और कौन है हवा जयपुर में जो हवा मेल ना जयपुर में जो हवा बना बनाए उसकी आकृति भी तो ऐसी है तो ये किसके आकार पे बनाया गया है तो जयपुर के हवा जयपुर के हवा और लखनऊ की भूल भुलैया, लखनऊ की भूल भुलैया की तर्ज पर बनाया गया है भूल भुलैया, लखनऊ की भूल भुलैया की तर्ज पर बनाया गया है उस आकृति का बनाया गया की तर्ज पर बनाया गया तर्ज पर बनाया गया कौन सा खेतड़ी का महल जिसे सैकावटी का हवा महल भी कहा जाता है अब ये नीम का थाना में आ गया अब यह कहा गया बताओ नीम के थाना में आ गया यहां पर वर्तमान में खेतड़ी के महल में खानी छात्रावास चलता है यदि आप आसपास के हो तो यहां पर अभी कायम खानी छात्रावास चलता है कौन सा खेतरी के महल में कायम खानी छात्रावास चलता है यहां क्या चलता है अभी कायम खानी छात्रावास कायम खानी हॉस्टल चलता है संचालित है यहां पर क्लियर तो यहां पर अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर यदि बात करें खेतरी का नाता और किससे है खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह खेतड़ी के महाराजा कौन थे अजीत सिंह और उन्हीं की सहायता से स्वामी विवेकानंद कहां गए थे स्वामी विवेकानंद का नाम मूल नाम क्या था नरेंद्रनाथ विवेकानंद का मूल नाम क्या था नरेंद्रनाथ था क्या था नरेंद्रनाथ था नरेंद्रनाथ का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद तो किसने तो किया था ठीक है तो स्वामी विवेकानंद अजीत सिंह ने किया था खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने खेतड़ी के महाराजा कौन थे खेत्री अब कहां गया खेतरी अब नीम का थाना में आ गया इसलिए पढ़ रहे खेतरी के महाराजा अजीत सिंह खेतरी के महाराजा कौन अजीत सिंह इन्हीं के सहयोग से इन्हीं के सहयोग से स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जिनका मूल नाम क्या था नरेंद्र इन्होंने स्वामी विवेकानंद कहां गए थे शिकागो सम्मेलन में गए थे शिकागो सम्मेलन इन्हीं की आर्थिक सहायता से शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था शिकागो सम्मेलन में क्या लिया था भाग लिया था यह भी आपको ध्यान में रखना है इसी प्रकार यदि आपसे पूछे कि खेतरी के महाराजा अजीत सिंह के शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था ठीक है एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपके बहुत काम की है पंडित मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू पंडित मोतीलाल नेहरू इनकी प्रारंभिक शिक्षा जवाहरलाल नेहरू के पिता इनकी प्रारंभिक शिक्षा खेतरी में हुई थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई थी खेतरी में हुई अब खेतरी कहां चला गया नीम का थाना में चला गया पहले झुंझुनूम था अब कहां चला गया नीम का थाना में चला गया

शेरशाह सूरी ने यहां पर सैकड़ों तालाब खुदवाए थे सूरी ने तालाब खुदवाए थे यहां पर और सेकावटी क्षेत्र में जो तालाब होते हैं उनको जोहड़ बोलते हैं सेकावटी क्षेत्र में जो तालाब होते हैं उनको क्या बोलते हैं जोहड़ बोलते हैं सेकावटी क्षेत्र में जो तालाब होते हैं उनको क्या बोलते हैं जोहड़ बोलते हैं क्या बोलते हैं सेकावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले तालाब को क्या बोलते हैं जोहड़ बोलते हैं क्या बोलते हैं जोहड़ बोलते हैं क्लियर नेक्स्ट अब यदि आपसे कोई पूछ ले गणेश्वर गणेश्वर कहाँ गया नीम का थाना में गणेश्वर इसके अलावा टपकेश्वर ये तीर्थ स्थल है यहां के टपकेश्वर टपकना नहीं है ऐसा नहीं टपकेश्वर ठीक है बालेश्वर भगेश्वर सर ये है क्या बताओ तो सही भगेश्वर ईश्वर बालेश्वर ये तीर्थ स्थल है और ये सारे स्थल कहां है नीम का थाना में आगे ये सारे तीर्थस्थल अब कहा आगे नीम का थाना में आगे ये सारे अब तीर्थस्थल कहा आगे नीम का थाना अब कोई नया जिला बनता छोटे छोटे तीर्थस्थल भी देखने पड़ेंगे आपको ठीक है छोटे छोटे भी देखने पड़ेंगे क्योंकि जब नया जिला बन जाता ना तो छोटी छोटी चीजें भी आपको देखनी पड़ती है छोटी छोटी चीजें भी आपको देखनी पड़ती है कैप्टन दुर्गा प्रसाद इनका संबंध कहां से था कैप्टन दुर्गा प्रसाद कैप्टन दुर्गा प्रसाद कैप्टन दुर्गा प्रसाद सर हमने तो पढ़ा सीकर से थे कैप्टन दुर्गा प्रसाद कहां से थे सीकर से थे भाई सही तो पढ़ा आपने ठीक है झुंझुनू भी पढ़ा होगा आपने इनका जन्म हुआ था नीम का थाना में इनका जन्म कहां हुआ नीम का थाना में कैप्टन दुर्गा प्रसाद नीम का थाना सर अब नीम का थाना तो जुन... नीम का थाना तो सीकर में रहा ही नहीं तो नीम का थाना कब अब तो खुद जिला बन गया पहले नीम का थाना कहाँ था सिक्कर था नीम का थाना कहाँ था तो नीम का थाना खुद ही जिला बन गया ठीक है तो कैप्टन दुर्गा प्रसाद का संबंध अब से नहीं करना है क्लियर तो आपसे कोई पूछ ले कैप्टन दुर्गा प्रसाद इनका संबंध किस जिले से है अब सिक्कर नहीं करना है बहुत बड़ा चेंज है नीम का थाना काम दो नीम का थाना जिला तो अब इनका संबंध कहां से नीम का थाना जिले से ठीक है इन्होंने दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन किया था दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन किया था संपादन किया था तो कैप्टन दुर्गा प्रसाद का संबंध अब किस जिले से है शिकर नहीं करना है शिकर को काट दो नीम का थाना जिला ये लो जिला हो गया क्या हो गया जिला हो गया पशुधन सहायक एल एस ए की वैकेंसी कब तक आएगी उम्मीद तो है कि सरकार जाने से पहले एलएसए की वैकेंसी निकाल दे, एल की वैकेंसी निकाल दे। क्लियर बताओ जी का संबंध किससे है जुजार जी का संबंध किस जिले से है जुजार जी कौन से बताओ जुजार जी का संबंध कहां से है तो जुजार जी का संबंध कहां से है सर हमने पढ़ा तो है इनका संबंध कहां से इमलोहा हमने दिए पढ़ा सर जूजारी का संबंध कहां से इमलोआ से इमलोआ है कहां तो तो किस जिले से है जुजार जी का जन्म तो इमलो इमलोआ सीकर मत कर देना नीम का थाना हो गया मैं यही तो कह रहा हूं बहुत सारी चीजें नीम का थाना में सबसे ज्यादा अपडेट है ठीक है मानो या ना मानो वो आप अलग पर्सनल नीम का थाना में अब तक मैंने जितने भी जिले कराए ना उनमें सबसे ज्यादा अपडेट है नीमका थाना नीमका थाना में सबसे ज्यादा अपडेट है कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक वाइक कर दिया करें ठीक है नीमका थाना में अब तक का सबसे ज्यादा अपडेट है ठीक है तो बताओ ये आपको ध्यान में रखना है क्लियर तो जुजार जी इनका संबंध किस जिले से है तो अब नीम थाना जिले से है जुजार जी का जो है ठीक है पे जो थान होता है थान इनका जो थान होता है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बताओ मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़ाते वक्त यह शालदोड़ा गांव में शहीद हो गए थे कौन से बताओ ठीक शालो शालो है शालोदड़ा गांव में शहीद हो गए थे बताओ शालोदड़ा गांव कहां पड़ता है रामनवमी के दिन मेला लगता है रामनवमी के दिन क्या लगता है मेला चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी के दिन तो झुंझारजी कैप्टन दुर्गा प्रसाद भी नीम का थाना जूजार्ज भी नीम का थाना क्यों कहा होगे? तो नीम का थाना जूजार्ज भी अब नीम का थाना क्यों कहा तो नीम का थाना होगे? क्लियर रामनारायण चौधरी इनको कैसे भूल सकते हैं सर रामनारायण चौधरी को रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन कौन सा बताओ बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन वसुधा तो बेंगू किसान आंदोलन इनका संबंध कहां से है रामनारायण चौधरी इनका संबंध कहां से है इनका जन्म भी नीम का थाना जिले में हुआ अब नीम का थाना में हुआ अब नीम का थाना पहले सीकर था तो राम चौधरी पहले सीकर पढ़ते थे अब पढ़ेंगे नीम का थाना जिला नीमका थाना जिला राम चौधरी राम चौधरी इन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था बेंगू किसान आंदोलन का बेंगू किसान आंदोलन का क्या क्या था नेतृत्व का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई रामनारायण चौधरी उन्नीस सौ बीस में, में अजमेर ट्रांसफर कर दिया था वहां से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकलता था तो बताओ राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना क्या हुई थी वर्धा महाराष्ट्र में उन्नीस उन्नीस में राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे 1919 वर्धा महाराष्ट्र वर्धा महाराष्ट्र उसके संस्थापक थे तो राजस्थान सेवा संघ के ये संस्थापक थे कौन बताओ रामनारायण चौधरी इनका संबंध किस जिले से ऐसे पूछेंगे अब तो कहते ना हिस्ट्री भी चेंज होगी हिस्ट्री भी चेंज होगी ये भी आपको ध्यान में रखना है इन्होंने नारेली अजमेर में नारेली आश्रम की स्थापना की थी आश्रम बताओ अजमेर में नारिले आश्रम खोला था इनकी पत्नी का नाम क्या था अंजना देवी चौधरी वो गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी पत्नी थी अंजना देवी चौधरी अंजना देवी चौधरी गिरफ्तार होने वाली पहली महिला क्रांति का काफी बदलाव बिल्कुल बिल्कुल काफी बदलाव हो गया इस जिले में तो काफी क्या बहुत कुछ बदल गया इस जिले में तो बहुत कुछ है बदलाव हो गया चलिए तो ये था अपनी जानकारी कौन सा बताओ नीम का थाना नीम का थाना ने कंप्लीट कर लिया देख लेते कितने पॉइंट चेंज हो गए जो साथी बाद में जुड़े हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा और जो पहले से जुड़े हुए हैं पहले से जुड़े हुए हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा क्लियर तो चलिए आपका रिवीजन करवा देते हैं डेढ़ घंटे की क्लास में जो भी पढ़ा है पौने दो घंटे की क्लास में वो सब रिवाइज करा देता हूं

मैं खुद पहले डाटा छाड़ता हूं अरे ये नदी किधर से जाएगी ये महल कहां है ये सभ्यता कहाँ है ठीक है बांध कहाँ है खनिज कहाँ है ऊर्जा क्षेत्र कहाँ है तो मुझे भी कम से कम तीन चार घंटे लगते हैं ठीक है तो मैं तीन चार घंटे पूरा कवर करके फिर आपके सामने परोसता हूं ठीक है तो आप निश्चिंत रहें हार्ड नहीं है थोड़ा बड़ा है इसलिए आपको हार्ड लग रहा है लेकिन इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना ये अपडेट हो गई आपकी ठीक है ज्योग्राफी भी हो गई हिस्ट्री भी हो गई कल्चर भी अपडेट हो गई सारी चीजें अपडेट कर रहे हैं अपन इस प्रकार अपन जब उन्नीस जिले जो सत्रह बने हैं, वैसे तो उन्नीस दो को तोड़ के जितने भी नए जिलों का अध्ययन कर लेंगे पहले छह पढ़ लिए लिये तो, आज सातवां जिला है सातवां जिला है चलिए नीम का थाना कितने जिलों से सीमा लगाता है चार जिलों से सीकर झुंझुनू जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड से लगाता है नेक्स्ट नीम का थाना अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता लेकिन अंतर्राज्य बनाता है नीम का थाना किस राज्य के साथ बनाता था हरियाणा के साथ बनाता है इसका मतलब ये बहिवर्ती जिला है कैसा बता बहिवर्ती जिला है राजस्थान के कितने जिले हरियाणा से लगाते हैं आठ जिले लगाते हैं ठीक है हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू पहले लगाते थे पहले सीकर लगाता था, था अब नीम का थाना लगाता था, सीकर नहीं लगाता पहले जयपुर लगाता था अब जयपुर नहीं कोटपुतली बेहरोड लगाता है पहले आपको बताया भरतपुर लगाता था, था अब भरतपुर नहीं लगाता डीग लगाता है बाकी एक्स्ट्रा हो गया खेतल तिजारा खेरल तिजारा नेक्स्ट नीम का थाना का नामकरण निग संप्रदाय के आधार पर नीम के आधार नीम के पेड़ के आधार पर हुआ है बताओ कौन सी चोटियों के मालकेत की चोटी पहले सिकर में थी लोहारगल की चोटी झुंझुनू में थी बाबाई की चोटी झुंझुनू में थी तोरावटी की सिकर में थी अब ये सारी नीम का थाना में आ गई सारी का थाने में आ गई कांतली नदी पहले दो जिलों में बहती थी अब तीन जिले done, आपको नीम का थाना एक्स्ट्रा हो गया तीन जिलों में बहती है कितने जिलों में थी तीन जिलों में बहती ठीक है तोरावटी बेसिन कहां पहले सिकर में था अब तोरावटी बेसिन का नीम का थाना में कांतली नदी का बेसिन क्या गया तोरावटी तोरावटी बेसिन नीम का थाना में आ गया ठीक है णेश्वर सभ्यता पहले कहां थी सिकर में, में? जुन में थी अब किस जिले में आ गई नीम का थाना जिले में आ गई किसमें आ गई नीम के थाना जिले में आ गई नेक्स्ट सुनारी सभ्यता सुनारी सभ्यता पहले झुंझुनू में थी अब आ गई नीम का थाना में किसमें आ गई नीम का थाना में देखिए मनसा माता कंजर्वेशन जोन पहले झुंझुनू में था अब कहा गया नीम का थाना में बांस्याल खेतरी और बाशाल केतरी ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड ये हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं ठीके? और पंद्रह का ऑफर चल रहा है मेरे तमाम कोर्सेज पर ठीक है भले आप इकोनॉमिक्स का कोर्स टेक लो का लोगे आई का फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड सब कोर्स रीड का कोर्स सब पे पंद्रह परसेंट का ऑफ चल रहा है तो इस एप डाउनलोड करके आप मेरे कोर्स में पंद्रह परसेंट का चल रहा है पंद्रह अगस्त तक छूट चल रही है नेक्स्ट नेक्स्ट यदि बात करें खनिज ठीक है तो देखिए तामर जिला पहले बोलते थे झुंझुनू को अब तामर जिला बोलते नीम का थाना को क्यों बोलते हैं पहले खेतरी में था अब खेतरी कहा गया नीम का थाना में आ गया तो तामर जिला नीम का थाना हो गया यहां तांबा खनिज निकलता कहा खेतरी में यहां हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय भी है मीरा का नगल और बनने वालों की डांगनी यह भी नीम का थाना में तांबे के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है तांबे के लिए प्रसिद्ध है नेक्स्ट

कोट बांध काइम बाध पापड़ा बाध पन्नालाल सा और अजय सागर पन्नालाल साल वाला पहले खेतरी झुंझुनू में था अजी सागर वाला खेतरी झुंझुनू था ये कोट उदयपुरवाटी झुंझुनू में अब सारा आगे ये कहा उदयपुरवाटी खेतरी सब नीम का थाना में आगे नीम का थाना में गौरी सौर ऊर्जा का प्लांट पहले खेतरी झुंझुनू में था अब नीम का थाना में आ गया और गौरी जो गांव है वहां से कमला बेनीवाल का संबंध है सबसे बड़ा डेयरी प्लांट वो अब नीम का थाना में आ गया ज्योति ट्रिपल खाद प्लांट भी कहां गया

यानी लगभग पचास बिंदु आपको अपडेट करने हैं इसके बाद कुछ भी नहीं बचता इसके बाद कुछ भी नहीं बचता क्लियर तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया आ गया यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सारे जिले मिलेंगे आपको सारे अपडेट हुए जिले मिलेंगे ठीक है और एक और बड़ी बात सर जी आपकी ज्वाइनिंग कब है मेरी ज्वाइनिंग अब सितंबर में आ सकती है सब इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग सितंबर में आ सकती है तो जाने से पहले मैं सारे जिले करा जाऊंगा आपको राजस्थान पॉलिटी इंडिया पॉलिटी और बहुत इकोनॉमिक सर्वे मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रखी है राजस्थान पॉलिटी पढ़ा रखी है उन वीडियो को भी आप देख लें ठीक है उन वीडियो को भी देख लें बाकी अपन सारे जिले कंटिन्यू करेंगे और मेरे से आप थ्योरी में पढ़ना चाहते हैं मेरा कोर्स लेना चाहते हैं ठीक है भले आप राजस्थान की जोग्राफी हिस्ट्री राजस्थान जीके इंडिया जीके वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आप महिया पाठशाला ऐप पे जाए वहां भी पंद्रह का डिस्काउंट चल रहा है मेरे कोर्स पे तो गुड नाइट शुभरात्रि जय हिंद और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ कहां मिलेगी तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जीके पॉइंट राहुल ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें यहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी सर पहले वाली नहीं मिली अब आपको दे देंगे पहले वाली भी दे देंगे चिंता मत करो पहले वाले भी दे देंगे गुड नाइट शिवरात्रि